आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकस्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 23 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपकी हॉर्नबिल के पोर्ट्स प्रोजेक्टी साथ ही जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है स्नैपशॉट उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट पोस्टर बता दिए, इंपॉर्टेंट नोटिस बता दिया है ओके, और साथ ही दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट मेकिंग बता दी ओके, बहुत सारे टॉपिक आपके क्रम से मैंने आपको कंप्लीट करा दी ओके। तो क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11th इंग्लिश वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं ओके। आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स देखने वाले हैं, रूल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा ओके। अगर क्योंकि आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स फिक्स नहीं रहता कि भैया यही आने वाला है ओके, इसमें आपसे रूल्स बनेगा तभी आप कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी आपको तैयार कर लेना है, रूल्स के साथ बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा ओके। इस समय आपको रूल्स नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत ही कम समय है, तो मैं आपको डिटेल से हर टॉपिक तो पढ़ा नहीं सकता ओके, आपको पता है ओके। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा हर की ओके, तो उन्हें आप ट्रिक अगर आप नोट कॉपी अलग से रख लीजिए, इस वीडियो को देखते ही देखते क्या है कॉपी अपने सामने रखिए, पेन रखिए, और ट्रिक मैं आपको हर टॉपिक की बताते जाऊंगा, तो नोट करते जाइए ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 5 नंबर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं पेपर में। तो एनुअल एग्जाम आपके क्लास 11 इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हम देखेंगे ओके। डुएट डायरेक्टर अलग से 5 नंबर के आते, तो उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा कंसेप्ट के साथ आपको कराऊंगा ओके। तो ओके ओके तो देख लेते हैं, और साथ ही मैं आपको वे टू सॉल्व इन लेस टाइम, मतलब मैं आपको रास्ता बताऊंगा किस तरीके से आपको कम समय में सॉल्व कर लेना है। वर्क हार्ड इज द की ऑफ सक्सेस, कठिन परिश्रम ही क्या है सफलता की कुंजी है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ओके। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, पहला है हमारा ओके। अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स में आता क्या अक्सर, अभी मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। देखिए ए एंड द का प्रयोग आता है, सम आपके मॉडल्स 13 प्रकार के मॉडल्स होते हैं, सम एनी मच ओके, मच हो गया आपका, कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड ओके, आपका डेयर, ये सब आपके यूज टू, ये सब आपके मॉडल्स का प्रयोग रहते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको क्या है आपके इन इंटू एमंग हो गया, आपका बिटवीन हो गया, और ए एंड द का प्रयोग हो, ये आपके रहते होंगे। तो हर टॉपिक मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो कॉपी बगल में रखते जाइएगा, मैं भूलता जाऊंगा आप नोट करते जाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, रुस्तम इज डेड यंग आपका पारसी ओके पारसी। तो यहाँ देख लेते हैं इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ए आने वाला ओके। चलिए देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे आपका होगा। तो देखिए इनके अब क्या होते हैं ए एंड का, चलिए प्रयोग सीख लेते हैं हम वीडियो को देखते ही देखते। तो ए एंड का ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो हमें क्या करना है जिस भी शब्द के आगे ए का एन या द का प्रयोग करना है, पहले हम शब्द को पढ़ना पड़ता है। इसके क्या लिखा हुआ, यंग लिखा हुआ, हिंदी में हमें लिख लेना है यंग, यंग इस प्रकार से लिखेंगे हम ओके। तो अब अगर आपका क्या है आ से लेकर आह तक, आ से लेकर यदि आह तक आपका आ रहा है, तो आपका एन का प्रयोग आपको करना है पढ़ने में, हिंदी में पढ़ने में ओके। का से लेकर ज्ञानी तक आ रहा है, तो आपको क्या है ए का प्रयोग करना है ओके। बट दा का प्रयोग तो आपको पता है इकलौती वस्तु या प्रसिद्ध जो वस्तु होती है उसके लिए हम दा का प्रयोग करते हैं ओके। तो ये यंग पढ़ रहे तो या आ रहा ओके, या यज्ञ का आ रहा, तो कहाँ से आएगा हमारा, ये हमारे आएगा का से लेकर ज्ञानी के बीच में आएगा, ए का प्रयोग हमें करना है ओके। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, सेलोन इज आइसलैंड, अब ये आपका लिखा हुआ है आइसलैंड ओके। तो किस प्रकार से लिखेंगे हम आइसलैंड, इस प्रकार से लगभग लिखेंगे हम, तो पहला अक्षर देखना है, तो आ रहा मतलब हमें क्या है, हमने क्या बताया मैंने आ से लेकर आ तक आए, तो आपको एन का प्रयोग करना है, तो उसमें आपका एन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे ओके। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत ही कम समय में आपको है फिल इन द ब्लैंक्स में किस प्रकार से आपको 5 में 5 नंबर पक्के करने हैं मैं प्रयास कर रहा हूँ बताने का ओके। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ओके, तो अब क्या लिखा हुआ है आपको यूनिवर्सिटी को लिखें, तो यूनिवर्सिटी को हम लिखेंगे यू आएगा, यूनी इस प्रकार से लिखेंगे, पहला अक्षर बस देखना है ओके, पहले अक्षर से मतलब यू आएगा ओके। यज्ञकार तो हम देख लो कहाँ से गया तक, मतलब ए आ रहा ओके, मतलब या आ रहा मतलब ए आएगा आपको ओके, ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिस इज अ रोटेन एग ओके, तो अब इसे हम क्या इसमें क्या हो जाएगा, अब रो पढ़ेंगे रोटेन, तो रहा रस्सी वाला रहा रहा, तो कहाँ से लगेगा गाने तक के बीच में हमें रात ओके, तो आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा, राम इज एनसीसी कैंडिडेट ओके, तो एनसीसी है आपका, तो एनसीसी तो क्या लिखेंगे एन इस प्रकार से लिखेंगे, तो एडी का आ रहा, आ से लेकर आ के बीच में आता आपका एडी का आता ओके, तो आपका एन आ जाएगा। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा है, दोस्तों समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा ओके। आगे देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको बेहतरीन तरीके समझा दूंगा, जैसे एक ही वीडियो में देखकर आप पूरे रूल समझ सकें जो आपने अभी तक नहीं पढ़े ओके। देयर आर डेडेस्ट पिक्चर इन दिस बुक्स ओके, तो अब हमारा क्या भैया, अब हमारे पास सम एनी का प्रयोग आ गया। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कॉपी में नोट कर लिए, सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपका जो क्वेश्चन जो आपका जो पूरा सेंटेंस है, यदि जो आपका क्या है अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब सिंपल वाला है, तो आपको क्या है सम का प्रयोग करना है। यदि जो आपका सेंटेंस है निगेटिव
निगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में, मतलब नकारात्मक है या फिर आपका प्रश्नवाचक है, तो आपका एनी का प्रयोग करना है, इतना आप रखिए। ओके, फिर इसके आप बाद भी हो सकते होंगे, एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इतना तो अधिकतम 90% काम कर जाए। ओके, तो यहाँ आपका क्या होना चाहिए इसमें दोस्तों, आपका सम आए। ओके, क्योंकि आपका ये देयर आर सम पिक्चर्स इन द बेस बुक, ये आपका सिंपल है। ओके, ना ये आपका इंट्रोगेटिव है, ना ही आपका निगेटिव है, ये आपका अफर्मेटिव है, अला सेंटेंस सम आ जाए। ओके, जैसे प्लीज गिव मी वाटर, अब देखिए, अब यहाँ देख लीजिए आपका क्या आना चाहिए इसमें, इसमें मैं आपको बता दूँ सम आएगा। ओके, क्यों आगे चलिए समझ लीजिए, ये आपका अब्बाद है। जब भी हम क्या किसी से निवेदन करें, निवेदन वाला कोई भी काम हो, ओके, तो हमें क्या करना है, निवेदन वाला रिक्वेस्ट वाला हो, हमेशा सम लगा दीजिएगा, आपको क्या सम लगा देना है। ओके, तो यहाँ प्लीज गिव मी वाटर, तो इसमें ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। ओके, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस में आपको सम का प्रयोग करना है, ये कोई रूल होता है सम का, इसे आपको तैयार करिएगा। डिड यू गो डेड एड्रेस वेल लास्ट नाइट, ओके, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, आठवीं का राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी। एनी आप क्यों लगाया, मैंने आपको बताया भी क्या बताया कि जब इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला हो, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, क्वेश्चन वाला जब सेंटेंस हो तो हमें एनी का प्रयोग करना है। ओके, तो एनी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, देखिए इनमें आपको अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा भी अगर आपको ट्रिक भी आपको समझ में आ रही है, ओके, तो आप क्या है आराम से कर सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं, टेल मी इफ यू हैव डेड एड्रेस डाउट, तो इसका दोस्तों आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, एनी हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या एनी क्यों आ रहा है भैया, इसमें एनी आपका आ रहा है, टेल मी इफ यू हैव डाउट। ओके, इसमें थोड़ा एक प्रकार से इफ का प्रयोग में आपका एनी का प्रयोग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका, आपका कालिदास हैज राइटर डेड एड्रेस प्लेयर्स, अब इसमें हमें क्या मच मैनी का प्रयोग करना है। ओके, तो मच मैनी का हमें प्रयोग करना है, तो इसमें आपका मैनी आ जाएगा। ओके, क्योंकि आपका इसमें राइटर है, ओके, हम प्लेस को गिन सकते हैं, तो मैनी आ जाएगा। मच मैनी का आपको सिंपल मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, मच का हम आपको पता है मैनी का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, काउंटेबल वाली, ओके, जिन्हें हम गिन सकते हैं। मच का प्रयोग हम क्या है लिक्विड चीज़ों में ज़्यादा करते हैं, मिल्क आया, ऑयल आया, तो हमें क्या है मच का प्रयोग करना है जिन्हें हम अनकाउंटेबल हो। ओके, इस बार से आप याद रखिए, देखिए रूल तो बहुत सारे होते हैं, इनका प्रयोग कई जगह करते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ जो आपकी ईजी आपके पेपर में आते हैं। सी हैज डेड एड्रेस चिल्ड्रेन, ओके, तो यहाँ देखिए हमारे चिल्ड्रेन है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैनी होगा। क्यों होगा मैनी, क्योंकि ये चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन नहीं बच्चे हैं, बच्चे को हम गिन सकते हैं, तो इस प्रकार से मैनी आपका हो जाएगा। ओके, दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा, अब सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको आपको अपना चैनल मिल जाएगा, 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। यू डिड नॉट मेक टी, अब देखिए टी आ रहा, तो मैंने क्या बताया जो लिक्विड वाली हो, मिल्क आए, टी आए, वाटर आए, ऑयल आए, तो हमें इसमें क्या लगा देना, मच लगाइए हुए लिक्विड वाली चीजों में। सिंपल सिंपल मैं आपको रूल बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट, सी हैज नॉट गॉट द ड्रेस टाइम, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर मच ही आएगा इसमें आपका। ओके, मच आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा, सी ही हैज द ड्रेस मनी सो ही कैन नॉट बाय एनी बुक्स। ओके, अब लिटिल आ लिटिल और द लिटिल का इसमें प्रयोग करना है, तो इसमें लिटिल आएगा, इसका थोड़ा रूल अब जटिल है, तो आप एक बार प्रयास करिएगा अपने समझने का। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अब ईच और एवरी का भी थोड़ा आपका डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, बुक इज गुड टू रीड, तो इसमें आपको दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ईच आपका आ जाएगा। ओके, ईच आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बुक हैज 80 पेजेस, तो इसका आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, इसमें आपका एवरी आ जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से आप इसमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, चलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इसका अर्थ निकालना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। ओके, बुक इज गुड टू रीड, मतलब जो किताब है वो अच्छी है पढ़ने के लिए, अच्छे के लिए पढ़ने के लिए। ओके, तो इसमें है संपूर्ण बुक की बात हो रही है, अगर संपूर्णता की बात हो तो हमें क्या है इज का प्रयोग करना है। ओके, इज का प्रयोग करना है अगर संपूर्णता की बात हो सेंटेंस में। अब सेकेंड सेंटेंस में क्या है, बुक हैज 80 पेजेस, मतलब बुक में क्या है 80 पेज है। ओके, तो यहाँ क्या है हर पेज की बात हो रही है, मतलब ओके तो 80 पेज की बात हो रही है, तो यहाँ एवरी आ जाएगा। ओके, मतलब क्या है संपूर्णता की बात तो हो रही है, लेकिन क्या है एक एक पेज की भी बात हो रही है। ओके, पेज शब्द भी आ रहा होगा, तो यहाँ आपका एवरी आ जाएगा, जबकि यहाँ चीज़ें बुक बोल दिया, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बाकी इसके बहुत डिटेल से रूल है, तो आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे लेट मी नो डेट एस हैज कम, ओके, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ दोस्तों आपका हु आना चाहिए। ओके, हु आ जाएगा। ओके, तुम मुझे बताओ वहाँ कौन आ रहा। ओके, तो यहाँ मी आ रहा मतलब आई, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, तो व्यक्ति के लिए हमें क्या है हु का प्रयोग करना है। ओके, और हम क्या है वस्तु के लिए हुज का प्रयोग कर देते। ओके, आई स्विम, मतलब अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपका सिंपल है कुड का प्रयोग हो जाएगा। मैंने आपको जब भी क्षमता की बात हो जाए, क्षमता की बात हो, तो आपको कैन या कुड का प्रयोग करना है। ओके, यहाँ कैन अपने ऑप्शन में है नहीं, तो कुड आपको प्रयोग कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट गॉड ब्लेस यू, ओके, हाँ तो मैं आ जाएगा। ओके, जब भी हम क्या है किसी के क्या है किसी के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम क्या है भगवान के लिए प्रार्थना, किसी के लिए क्या है प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो हमें मे का प्रयोग कर देना है। ओके, तो इस प्रकार से गॉड ब्लेस यू हर, इस प्रकार से जब भी आए तो आपका मे का प्रयोग रहेगा। ओके, इट रेन
आपका आपका टू नाइट हो जाएगा। तो उसमें दोस्तों आपका क्या है, माइट इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, माइट इसमें हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता, जब भी आपके शायद वाले शब्द है तो उसमें मे का प्रयोग करना है। ओके, मे या माइट का प्रयोग करना है। इसमें मे ऑप्शन नहीं तो माइट हमें आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी डेड डेस नॉट टू डू। ओके, तो आपका है डेयर हो जाएगा। इसमें साहस की बात हो रही है। ओके, तो शहर से वहाँ यूज करते हैं जहाँ आप डेयर का यूज वहाँ करते हैं साहस की बात। ओके, फिर है वुड यू गिव मी द एड्रेस बुक्स। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भी आपको निवेदन की बात है हमेशा आपको क्या है, आपको इसमें क्या संपर्क प्रयोग करना है। अब यहाँ ये अब्बाद है, ये अलग क्वेश्चन प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, तो हमें क्या है यहाँ एनी का प्रयोग करना चाहिए। ओके, एनी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको जब भी निवेदन वाला है, रिक्वेस्ट वाला है, तो फिर आपको सम का प्रयोग कर देना है बिना कुछ देखे। ओके, सम का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे आपका दे प्रेफर मिल्क आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा टू। ओके, प्रेफर मिल्क टू टी। ओके, जैसे जब तुलना की बात हो तो टू का यहाँ प्रयोग होगा। सी इज MBBS, तो ये आपका सिंपल है, मैं आपको बता चुका हूं। NMBBS आएगा, N क्यों आएगा, आप लिखेंगे MBS। ओके, M लिखेंगे M, तो ए एडी का आ रहा, तो मैंने क्या बताया आ से लेकर आ तक, तो ए एडी का कहां से आता, आ से लेकर आ तक आता पढ़ने में, तो N इसका प्रयोग हो जाएगा। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाका, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नेक्स्ट है यू डेड एड्रेस स्टॉप स्टॉप स्मोकिंग, तो इसमें आ जाएगा मस्ट आ जाएगा। ओके, जब भी जरूर की बात हो या रूल की बात हो, के जैसे आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए तो मस्ट आएगा उस सेंटेंस में। ओके, आपको यह धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए तो भी आपका मस्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा वी आर गोइंग टू ड्रेस अ मैच टू डे। ओके, तो इसके दोस्तों आपका क्या राइट आंसर होगा, इसमें आपका टू प्ले हो जाएगा। अब क्यों होगा, तो मैं आपको इसका एक रूल होता है, किस प्रकार से रूल होता है। देखिए कोई भी सब सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में केवल केवल एक ही वर्ब आएगा, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। ओके, तो ये होता आपका नियम होता है। लेकिन यदि कोई सेंटेंस में दो बार आ रहे हैं तो हमें टू लगाकर प्रयोग कर देना है। तो यहाँ प्ले प्ले वाले तीन ऑप्शन है, तो ये तो पक्का है प्ले आना है, लेकिन प्लेइंग आएगा कि प्ले आएगा कि प्लेड आएगा कि टू प्ले आएगा। ओके, तो यहाँ हमें पता तो है प्ले आएगा, तो हमने पहले प्ले लिख लिया, पी एल ए वाई प्ले। ओके, आपका प्ले लिख लिया। ओके, अब हमें यहाँ क्या एक गो है, आपका गो पहले से आ चुका, गो क्या है, एक आपका वर्ब है। तो मैंने अभी क्या बताया, जब भी अगर सेंटेंस में दूसरा वर्ब आ रहा है तो टू लग के आता है, जब भी सेंटेंस में दूसरा वर्ब आया तो टू लग के आएगा, तो गो भी वर्ब है, प्ले भी वर्ब है। अब प्ले आ रहा है, वर्ब तो आ रहा है। ओके, तो फिर आपको टू लग के आएगा, सिर्फ टू वाला हो जाएगा, टू प्ले आएगा। ओके, जैसे आई हैव फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स में आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मैनी हो जाएगा। ओके, मैनी क्योंकि हम फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट है ही हैज नॉट गॉट द एड्रेस मनी नाउ, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपका एनी हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हो तो आपको क्या है इंट्रोगेटिव या नेगेटिव वाला, ये आपका नेगेटिव है, कि हैजंट लिखा है, मतलब हैजंट मतलब हैज नॉट। ओके, मतलब नकारात्मक वाला है तो एनी आ जाएगा। नेक्स्ट है द बुक इज डेड एड्रेस द टेबल, तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल। ओके, ऑन द टेबल इसमें आ जाएगा, जो मतलब बुक है, जब भी ऊपर की बात हो तो हमें ऑन का प्रयोग करना है। देखिए ऊपर की जब अर्थ निकले तो ऑन का भी प्रयोग करते हैं, अप ऑन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर स्थिर की बात हो तो ऑन करना है, गतिशीलता की बात हो तो अप ऑन करना है। जब भी क्या कोई किताब है तो टेबल के ऊपर रखी रहेगी तो वो स्थिर ही रहेगी। ओके, तो ऑन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा द लॉयन जंप्ड द डियर, तो इसमें अप ऑन आएगा। अब अप ऑन क्यों आएगा, देखिए यहाँ भी ऊपर का अर्थ निकला, तो ऊपर का अर्थ आया तो ऑन भी आना चाहिए, अप ऑन भी आना चाहिए। ओके, लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि ऑन आता है स्थिर चीजों के लिए, अप ऑन आता है गतिशील चीजों के लिए। यहाँ जो बुक रखी थी वो टेबल के ऊपर, वो स्थिर थी इसलिए ऑन आया, और यहाँ जो क्या है लॉयन जंप कर रहा है किसके ऊपर, डियर मतलब हिरण के ऊपर जंप कर रहा है। ओके, जब जंप करेगा, जंप तो हो रहा, ऊपर तो जा रहा है हिरण के। ओके, लेकिन क्या गतिशील अवस्था में जाएगा तो इसलिए अप ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट द पेन इन द बॉक्स इज डेड एड्रेस द बॉक्स, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इन आ जाएगा। ओके, अब इसमें इन क्यों आएगा, इसका तो इनका रीजन इसमें भी वही स्थिर वाला है, कि अब इनका प्रयोग भी के अंदर के अर्थ में होता है, इन टू का भी प्रयोग भी के अंदर के अर्थ में होता है, लेकिन इन में क्या होता है, अंदर में स्थिर होना चाहिए, अगर कोई वस्तु अंदर रखी तो स्थिर हो, इन टू का क्या गतिशील वही सिस्टम है। ओके, जब वो जो पेन रखा जाएगा बॉक्स के अंदर अंदर रखा जाएगा तो स्थिर रहेगा। ओके, इन हुआ। अब यहाँ देख लेते हैं सी जंप्ड द वॉल। ओके, तो इसमें आपको क्या है, इसमें भी आपका इंटू आएगा। अब जो कि जंप की जब भी बात आए, जब में गतिशीलता आ जाएगी, गतिशीलता आ जाएगी। ओके, तो फिर आपका इंटू इसमें प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अमन इज डेड एड्रेस मोहन एंड कुणाल, तो अब अमंग और बिटवीन का हमें प्रयोग करना है। तो अमन का अमंग का अर्थ भी होता है के बीच में अर्थ प्रयोग करते हैं, बिटवीन का अर्थ भी होता है के बीच में। ओके, तो जब भी क्या है दो लोगों के बीच में बैठने की बात हो तो हमेशा हमें क्या करना है, किसका प्रयोग करना है, बिटवीन का प्रयोग कर देना। ओके, दो लोगों के बीच की बैठने की बात हो तो बिटवीन का प्रयोग करना है, और जब समूह के में अगर हम बैठने के बीच में बात हो रहा है तो अमंग का प्रयोग करना है। क्वेश्चन में इसमें हमारे मतलब कहा जा रहा है अमन जो है बैठा हुआ है, ओके, किसके बीच में, मोहन और कुणाल के बीच में। ओके, तो दो व्यक्तियों के बीच में, जब दो व्यक्ति के बीच में की बात हो रही है तो हमें बिटवीन का प्रयोग कर देना है।
एमएंग कब आएगा, जैसे मैं बात करूं कि जैसे अनुराग बैठा हुआ है पूरी कक्षा के बीच में, फोल क्लास के बीच में, ओके, तो यहाँ आपका अमंग आएगा इस प्रकार से, ओके। जैसे हमारा अनुराग इज डेड रेस अमंग द स्टूडेंट, अनुराग बैठा हुआ किसके अमंग द स्टूडेंट, मतलब पूरे विद्यार्थियों के बीच, संपूर्णता की बात हो रही तो फिर आपका यहाँ अमंग आ जाएगा, ओके। और यहाँ दो लोगों की बात हो रही है इसलिए बिटवीन आ रहा है, ओके। नेक्स्ट हमारा आई अवेक फोर ओ क्लॉक, तो इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। जब भी आपका क्या है ओ क्लॉक की बात हो, समय की बात हो, तो एट इसमें आपका प्रयोग रहेगा, ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सिलेक्टेड पूरे आपके फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं, और ये आपके आंसर दिए तो अभी मैं आपको बता दिए, ओके। तो ये जितने भी बताए हैं सभी का आई होप आपको क्या है काफी दोस्तों आपको समझ में आ गया रूल्स है, किनका प्रयोग करना है। बाकी और भी जो आपके पास पुस्तकें हैं उनसे क्या है प्रैक्टिस करके जाइएगा, प्रैक्टिस ही इसका तरीका। अगर आप इसमें पांचवें पांच नंबर फिक्स करना चाहते हैं फिल इन द बैलेंस में, तो आपको क्या है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नियम समझ कर, ओके। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल से जुड़िएगा, कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।